दोस्तों, पाइपिंग एंड मैकेनिकल ज्ञान में आपका हृदय की गहराई से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे रिगर का काम क्या होता है, रिगर काम कैसे करता है और रिगिंग के लिए कौन कौन से टूल्स एंड टकल्स का यूज करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, शिपयार्ड, लॉगिंग यार्ड्स, कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी बोझ को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने, बांधने, जोड़ तोड़ करने में विशेषज्ञ होते हैं और सामान को सीलिंग के जरिए हुक में फंसा कर सामान का एंगल पैरेलल में है कि नहीं चेक करके क्रेन ऑपरेटर को सिग्नल के द्वारा बताते हैं। आइए देखते हैं रिगर कैसे काम करता है। यह एक रिगर है, वेब सीलिंग को चैनल में बांध कर इरेक्शन करवा रहा है। यह बेल्ट को डिसाइकल में बांध कर क्रेन और क्रेन ऑपरेटर के द्वारा चैनल को उठवा रहा है। यह वेब सीलिंग है जिसको आम भाषा में बेल्ट या पट्टा बोलते हैं। यह चैनल है। यह रोप यानी रस्सी के द्वारा लोड को कंट्रोल कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। रिगर मैन्युअली भी सामान को वेब सीलिंग, डिसाइकल, चेन ब्लॉक और हैंड लीवर ब्लॉक के द्वारा सामान को उठाते हैं, उतारते हैं या इधर उधर करते हैं। यह जो देख रहे हैं इसे हैंड लीवर ब्लॉक या कामलॉन्ग के नाम से भी जानते हैं। इसे अधिकतम हॉरिजेंटल लोड के लिए यूज किया जाता है। इसे मैनुअली हैंड के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और यह आप जो देख रहे हैं यह चेन ब्लॉक है, इसे वर्टिकल लोड के लिए यूज किया जाता है। तो यह था रिगर का काम और टूल्स एंड टैकल्स। और आज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपने हो सकता है सब्सक्राइब भी कर लिया हो, घंटी भी बजा दी हो, लेकिन अपने 3-4 दोस्तों को कम से कम फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें कि वो भी बेल आइकन को प्रेस करें और वहां तक ये नोटिफिकेशन जा सके। अगर मेरे वीडियो से मदद होती हो तो हर बार मेरे रिक्वेस्ट किए बिना लाइक कर दिया करिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।